Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, our today's 10th class English topic is once again matching verbal phrases with their meanings, part 5. Dear students, we have our question, match the phrases in column A with their meanings in column B. Pyare bachcho, हमारा जो इस वक्त का क्लास है दसवीं जमात का, इसमें हमारा टॉपिक एक बार फिर है मैचिंग वर्बल फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स, लेकिन पार्ट बी है। तो हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, यानी कॉलम ए और कॉलम बी। हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। वो किस तरह? इस तरह के कॉलम ए में हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं और इन्हीं फ्रेजेस के कॉलम बी में मीनिंग्स है, इनकी मीनिंग है। लेकिन कॉलम बी में ये बिल्कुल ये मीनिंग्स गैर तरतीब है, इन डिस अरेंज ऑर्डर है। तो हमें अपने आंसर में हर एक दिए गए फ्रेज के आगे इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग लिखनी है। वो अप्रोप्रिएट मीनिंग हम कॉलम बी से निकालेंगे। तो यहां पे देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में पहला फ्रेज है ब्रिंग ऑन, दूसरा कम अक्रॉस, तीसरा वर्क आउट, चौथा अकाउंट फॉर, पांचवा एड ऑन और छठा डिफर विथ। तो कॉलम बी में जो मीनिंग्स दी गई है वो है टू डिसएग्री, कॉज समथिंग, टू मीट, टू एक्सप्लेन कॉज, टू सॉल्व, टू अटैच। अब हम इन्हीं दिए गए फ्रेजेस जो कॉलम ए में दिए गए हैं, इनको एक एक करके लिखकर इनके आगे कॉलम बी से इसकी मीनिंग निकालकर इसके आगे हम लिखेंगे। तो यहां देखिए आंसर इन मैचिंग फॉर्म। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को या पार्ट ए और पार्ट बी को मैचिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां देखिए, फर्स्ट नंबर इज, यानी फर्स्ट फ्रेज इज, सॉरी फर्स्ट फ्रेज इज ब्रिंग ऑन। तो इसकी मीनिंग है कॉज समथिंग, ये है इसका मतलब हुआ कॉज समथिंग, पहले फेज का आंसर है, यानी मीनिंग है। फिर दूसरे नंबर पे कम अक्रॉस, इसकी मीनिंग टू मीट। तो यहां पे टू मीट है, दूसरे फेज की मीनिंग है। फिर तीसरे नंबर पे वर्क आउट, टू सॉल्व, यहां देखिए टू सॉल्व, तीसरे फेज की मीनिंग। फिर चौथे नंबर पे अकाउंट फॉर, इसकी मीनिंग है टू एक्सप्लेन कॉज। तो ये है टू एक्सप्लेन कॉज, नंबर फोर। फिर नंबर फाइव एड ऑन, इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग टू अटैच, ये है इसकी मीनिंग टू अटैच, नंबर फाइव। फिर लास्ट वाला नंबर सिक्स डिफर विथ, इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग है टू डिसएग्री। तो यहां पे देखिए ये नंबर सिक्स। तो इस तरह से हमने हर एक फ्रेज की अप्रोप्रिएट मीनिंग कॉलम बी से चुनकर हर एक फ्रेज के आगे दर्ज की। तो अब हमारा आंसर इस तरह बन गया मैचिंग फॉर्म में, ब्रिंग ऑन, कॉज समथिंग, कम अक्रॉस, टू मीट, वर्क आउट, टू सॉल्व, अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन कॉज, एड ऑन, टू अटैच एंड डिफर विथ, टू डिसएग्री। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का यानी दसवीं जमात के इंग्लिश क्लास का वक्त एकदम को पहुंचा। आप अपनी नोटबुक और कलम उठाइए, इस पूरे क्वेश्चन और इसके आंसर को नोट कीजिए, फिर
याद कीजिए और उसके बाद खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपके इंग्लिश बुक से और एक टॉपिक लेकर। तब तक के लिए हम सबका अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।